राजधानी भोपाल स्थित अशोक विहार माँ दुर्गाधाम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय संत रामदास जी महाराज द्वारा कथा का श्रवण कराया जा रहा है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को तृप्ति के लिए भागवत कथा सबसे प्रिय मानी गई है। राजधानी भोपाल पधारे शीतल संत श्री रामदास जी महाराज ने कहा कि पितृपक्ष पितरों के लिए तर्पण के लिए होता है। इस पक्ष में भी जो श्रद्धालु भागवत कथा करते हैं उनके घर में खुशहाली आती है। पितरों को भागवत कथा प्रिय है, श्रीमद् भागवत कथा से उनको तृप्ति मिलती है। पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि जीवित माँ पिता की आज्ञा का पालन करें और जब पिता का माता का शरीर ना रहे तो मृत्यु भोज विशाल तरीके से करें और गयम पिंडदान करें, श्राद्ध करें। वहीं पुत्र खिलाने लायक हैं जो इन बातों का श्रवण करें। कथा में रोज पितरों को तर्पण किया जा रहा है। पंडितों द्वारा विशेष पूजा अर्चना करवाई जा रही है। मुख्य यजमान बने गुप्ता परिवार और साथ ही राय परिवार सहित कई परिवार यजमान बने हुए हैं। पितृपक्ष पितरों के लिए समर्पित होता है। पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण इस पक्ष में जो करता है उस परिवार में पितरों की विशेष कृपा बरसती है, जिसके माध्यम से घर में खुशहाली आती है। जो इस पितृपक्ष का अनादर करता है उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं और पितरों को भागवत की कथा बहुत प्रिय है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से उनको तृप्ति मिलती है और पितर जब तृप्त होते हैं तो घर में आनंद की वर्षण होती है, भगवान के चरणों में प्रेम की जागृति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। और पुत्र का एक कर्तव्य होता है कि वो जीवित माता पिता की आज्ञा का पालन करें और जब पिता का माता का शरीर न रहे तो उनका मृत्यु भोज विशाल तरीके से करें और तीसरी बात गया में श्राद्ध करें, पिंडदान करें। वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है जो इन तीनों बातों का जीवन में पालन करता है। भागवत कथा में नित्य प्रतिदिन हजारों की तादाद में धर्म प्रेमी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। EMT न्यूज के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।